जैसे आपने अनिल जी बोला, तो मेरे वो जो अंदर का वो है, पूरी कोशिश रहती है कि मैं नए नए स्टॉक्स लाऊं, और इस बार वापस से कुछ स्टॉक आइडियाज मिल भी रहे हैं। और फ्रेदून फार्मा देखिए, फार्मा स्टॉक्स चूंकि बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए थे, और ये भी एक अंडर परफॉर्मर था। जैन साहब एक बार वो स्टॉक का नाम और स्पेलिंग बोलो ना सर, अंग्रेजी में बताना है स्पेलिंग। यस सर, FREDUN, FREDUN। देखिए सर, हमारे हमारे चैनल प्रोडक्शन वालों का बहुत जबरदस्त स्पीड है, बहुत समझते हैं। तो फ्रेडून फार्मा। नहीं नहीं, वही मुझे पूछ रहे हैं। आप गलत फहमी मत रहो कि मैंने ही समझा। आपको लग रहा है मैंने समझा, प्रोडक्शन वालों ने पीछे से पूछा, अरे सर जैन साहब को स्पेलिंग तो पूछो। तो आप एक नियम बना लो कि जो भी नया स्टॉक पहली बार बोल रहा है उसकी तो स्पेलिंग बोल ही दिया करो। ओके, हाँ है ना, ये सही आ रहा है। फ्रेडून फार्मा। रुपए ऊपर है ऑलरेडी। ऑलरेडी देखिए नया नाम है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, कई लोग को नया नाम दिखता है और मार्केट्स काफी ब्यूंट हो रखे हैं, कूद पड़ते हैं स्टॉक के ऊपर, ऐसा नहीं है। आप लोग वेट कीजिए, नाम को लिखिए। बट यस, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं, तो वो एक जो हैंग होता है वो खत्म हो गया, और ऊपर के लेवल से करेक्टेड है। 1428 के लेवल से 850-900 के लेवल्स पे स्टॉक मिल रहा है, तो इसलिए शायद रिएक्शन भी ज्यादा फास्ट हुआ है, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है स्टॉक के अंदर, तो वो भी एक रीजन है। और मैं काफी दिनों से मेरी नजरें बनी हुई थी, और कुछ कारणों से मैं नहीं लाया था, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स फ्लेवर में नहीं थे, तो थोड़ा सा कम ला रहे थे। बट अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक और ये सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर ही रहा है, तो ये स्टॉक भी करेगा। तो टारगेट एक बार मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, 1100 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। अब बैकग्राउंड पे आते हैं, बैकग्राउंड भी जबरदस्त है, एक पुरानी कंपनी है, भले ही नाम नया हो मगर कंपनी पुरानी है, और 1987 से कंपनी कार्यरत है, अच्छी खासी पुरानी कंपनी है। और मैं कंपनी का ऑपरेशनल हाइलाइट्स देख रहा था और सारे नोट्स देख रहा था, तो वो भी बहुत बढ़िया लगे। और सबसे बढ़िया बात है, कंपनी के अलग अलग सेक्टर्स में प्रेजेंस है। आप देखिए, जेनेरिक्स में तो है ही है, फिर पेट हेल्थ केयर में है कंपनी, सर्जिकल्स में है, आप वहां पे हमने देखा पॉलीमेडिकेयर जैसी कंपनी जहां पे वैल्यूएशन बहुत जबरदस्त मिलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स में है, कॉस्मेस्यूटिकल्स में है, कॉस्मेस्यूटिकल्स तो इस तरीके की वहां पे करीब 12 प्रोडक्ट्स उन्होंने ऐड किए हैं कॉस्मेस्यूटिकल्स में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में अच्छे खासे प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, 9 करीब प्रोडक्ट्स के अंडर डेवलपमेंट है। पेट हेल्थ केयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 29 वेटनरी प्रोडक्ट्स, तो पेट हेल्थ केयर अगेन उनको भी बहुत वैल्यूएशन मिलती है, हमने देखा।